साला दोस्तों कैसे हो आप लोग। इनफिनिक्स इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है और इनफिनिक्स ने बहुत ही अच्छे अच्छे मोबाइल इंडियन मार्केट पे अभी लॉन्च किया है। उन्हीं में से एक मोबाइल है जो कैमरे के लिए वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल है। अभी मार्केट में जितने सारे डिवाइस इस प्राइस पॉइंट पे आता है उनमें ये सबसे अच्छा एक डिवाइस, जहाँ पे आप फ्रंट और रियर दोनों कैमरे से 60fps 4K वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 13MP का वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है। तो मोबाइल कौन सा है और क्या क्या फीचर यहाँ पे और दिया गया है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना और आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मोबाइल का नाम है इनफिनिक्स 030 5G जो एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम सा डिवाइस है इनफिनिक्स का। और दोस्तों सिर्फ यहाँ पे आपको कैमरा ही नहीं है और भी जितने सारे फीचर है वो भी आपको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि 6.78 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले मिलता है विथ 144Hz रिफ्रेश रेट, जो इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस नहीं प्रोवाइड करता है जो रिफ्रेश रेट है। तो यहाँ पे आपको एकदम कर्व डिस्प्ले मिलता है, उसके साथ साथ जो बैक है वहाँ पे आपको लेदर के ऑप्शन भी मिलता है और ग्लास के ऑप्शन भी मिलता है, जो काफी अच्छी बात है। और उसे छोड़ के भी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ना वो भी काफी तगड़ी है। यहाँ पे आप हाई ग्राफिक पे कोई भी गेम खेल सकते हो। यहाँ पे दिया गया है डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर जिसकी एंटोसु स्कोर 7 लाख से भी ज्यादा है, जो काफी पावरफुल मोबाइल को कर देता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी 5000mAh का मिल जाता है और उसके साथ साथ 45W के फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दिया गया है। ये एक 5G डिवाइस है, ये एंड्रॉइड 13 पे रन करता है, OS आपको 113 मिल जाएगा। तो ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके कैमरे के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 108MP का मिलता है विथ OIS और 13MP का वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है, जो इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी ब्रांड वाइड एंगल कैमरा को प्रोवाइड नहीं करता है, जो इनफिनिक्स ने किया है। उसके साथ साथ 2MP का आपको डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। और दोस्तों आप रियर कैमरे से 4K 60fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात करें सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पे मिलने वाला है 50MP का, जिससे आप 4K 60fps पे भी वीडियो शूट कर सकते हो। तो कैमरा रियर और फ्रंट की दोनों ही काफी जबरदस्त होने वाला है। और दोस्तों कैमरे में आपको जितने सारे फीचर मिलना चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। पैनोरामा, जो टाइम लैप हो गया, जो वीडियो मोड, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे फीचर इस मोबाइल में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये मोबाइल क्यों बेस्ट कह रहा हूँ, इसकी एक रीजन है। इस प्राइस पॉइंट पे और भी बहुत सारे मोबाइल आता है, जैसे कि रियलमी 11 प्रो और IQQ G7 प्रो। प्राइस इस तीनों का एकदम सेम ही है, पर फीचर सबसे ज्यादा आपको इनफिनिक्स 030 5G पे ही मिलने वाला है। और दोस्तों कैमरे की जो क्वालिटी है, जो आउटपुट है ना, वो रियलमी 11 प्रो से काफी ज्यादा बेहतर है। तो रियलमी को आप एकदम छोड़ सकते हो, रियलमी से काफी ज्यादा बेहतर इनफिनिक्स 030 5G है। पर अगर कंपेयर किया जाए इनफिनिक्स 030 5G और जो IQ Z7 प्रो है, कुछ चीज में IQ बेटर है और कुछ चीज में इनफिनिक्स बेटर है। तो दोनों में से आप किसी को भी एक चूज कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा इनफिनिक्स की इस डिवाइस को आप ले सकते हो, ये काफी बेहतर एक डिवाइस है। और दोस्तों बात करें प्राइस की, तो इनफिनिक्स 030 5G का जो प्राइस है वो 24,000 है बेस ब्रांड का, पर सेल पे ये आपको 22,000 या फिर 21,000 पे भी मिल जाता है। तो प्राइस के हिसाब से काफी शानदार सा एक डिवाइस है कैमरे के लिए।